देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑफसेट चेन लाइन। जब हम लोग चेन सर्विंग करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है हम लोग का ऑफसेट, है ना। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है, इसको समझो। आज हम लोग, है ना, द लेटरल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द चेन लाइन इज नोन एज ऑफसेट। ऑफसेट आर टेकन टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स विथ रेफरेंस टू द चेन लाइन, दे आर टू टाइप्स, है ना। देखो, जब हम जैसे यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को ए और बी, ए से बी पॉइंट दिख रहा है ना। ए से बी पॉइंट जो है यहाँ से, ये हम लोग का क्या है, सर्वे लाइन है, चेन लाइन है हम लोग का ना। तो मतलब ए से बी के जो है, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसके बीच का हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी मेजरमेंट ले रहे हैं, समझो। जैसे कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, सर्वे करते हुए जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि हमको ये जो P पॉइंट है, P हम लोग का ऑफसेट हो गया, इसका जो लेटरल जो डिस्टेंस रहेगा ना, इसका जैसे सर्वे लाइन का लेफ्ट और राइट में जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग लोकेट करते हैं, उसका लेटरल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे ऑफसेट, है ना। मतलब इस चेन लाइन के रेफरेंस में इसका जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑफसेट, उस डिस्टेंस को, है ना। अब तो हम लोग ऑफसेट का मेजर, ऑफसेट हम लोग लेते क्यों है, इसका भी एक रीजन है ना। रीजन ये हेलो हुआ कि जैसे मान लो एग्जांपल देता सर, हूँ। हाँ हेलो, क्या बोलो। हाँ फिर से समझाएं और एक बार, क्या, सर फिर से और एक बार समझाएं सर, कट गया था। अच्छा, अरे देखो हम ये बोल रहे हैं तुम्हारा, हम लोग ए से सर्वे करना शुरू किए हैं, हम लोग मेजरमेंट लेने शुरू किए हैं, बी पॉइंट तक हम लोग को क्या करना है, मेजरमेंट लेना है हम लोग को, है ना। तो हम लोग जो मेजरमेंट शुरू किए ए से, हम लोग चेन लेके मेजरमेंट करने चले ए से तक, यहाँ बी तक, है ना। तो हम लोग के लिए इस सर्वे लाइन के लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट या फिर राइट में जो भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, उसके डिस्टेंस को जो हम लोकेट करते हैं ना, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑफसेट, ऑफसेट, यस। ना। अब देखो ऑफसेट लेने का जरूरत क्यों पड़ता है, इसको समझो। जैसे कि अब मान लो तुम लोग ITI मोड़ से लेके तुम लोग उधर क्या बोले, चास मोड़ तक आगे जा रहे हो, तुम लोग सर्वे मेजरमेंट लेते हुए जा रहे हो, है ना। वो तो काफी डिस्टेंस है यहाँ से, है ना, कम से कम 20-30 किलोमीटर होगा। यस तो मान लो तुम लोगों ने ITI मोड़ से मेजरमेंट लेने से शुरू किया, और ये हम लोग का जो चास है, क्या बोलते हैं ये, GGPSP जो कॉलेज, हम लोग का GGPS कॉलेज, हम लोग का इस कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते तुम लोग को रात हो गई है, चलो, है ना, अंधेरा हो गया तुम लोग को। तो अब तुम क्या करोगे, आगे तो मेजरमेंट नहीं ले सकते, रात हो गई, तुम लोग छुट्टी लेना पड़ेगा, छुट्टी लोगे ना। तो क्या करो कि तुम लोग यस गेट के सामने मान लो यहाँ पर कोई मार्किंग कर दिया है ना, यहाँ से तुम लोग मेजरमेंट लेना शुरू किया, यहाँ तक आते आते तुम लोग को क्या हो गया, रात हो गया है ना, ये बी पॉइंट तक आते आते, है ना। अब क्या करो, यहाँ पर एक पॉइंट तुम लोकेट मार्क कर दिया यहाँ पर, है ना। तो अब जब तुम मार्किंग किए यहाँ पर, तो ये तो तुम्हारा परमानेंट मार्किंग है नहीं, तुमने टेम्पररी मार्क किया इस स्टेशन को, बी स्टेशन को। तो ये पॉसिबिलिटी ये बनता है कि ये तुम्हारा यहाँ से क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब हो जाए या फिर हट जाए, ओमिट हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो फिर से तुमको मेजरमेंट लेने के लिए यस तुमको फिर से यहाँ ए पॉइंट से तुमको मतलब ITI मोड से फिर से तुमको शुरू करना पड़ेगा, तुम्हारा एफर्ट तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो इस पॉइंट को हम लोग लोकेट करेंगे, तो इसका पोजिशन को कैसे लोकेट करेंगे, इसका पोजिशन को लोकेट करने के लिए तुम क्या लिखा कि हम लोग का जो GGPS स्कूल कॉलेज है, इसके गेट से, ये जो पॉइंट है, ये मान लो हम लिख दिए 10 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग का ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ये है ना। तो 10 मीटर का यस डिस्टेंस तो तुम्हारा, अब मान लो ये तुम्हारा कॉलेज का गेट है, तो 10 मीटर का डिस्टेंस तुम्हारा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यस कि दो तरीके, एक तो परपेंडिकुलर ऑफसेट और दूसरा ऑब्लिक ऑफसेट, है ना। हाँ, परपेंडिकुलर ऑफसेट मतलब होता है कि सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर जो भी लेंथ हम लोग मेजरमेंट करेंगे, वो हुआ हम लोग का परपेंडिकुलर ऑफसेट, है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग दिखा हुआ है परपेंडिकुलर ऑफसेट, मतलब ये कॉलेज का बिल्डिंग है मान लो, या गेट है जो भी मान लो, है ना। तो इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलरली हम लोग जो मेजरमेंट लिए इसका डिस्टेंस को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट, है ना। ऑफसेट अब अगर किसी परपेंडिकुलर के अलावा, 90 डिग्री के अलावा कोई अदर एंगल लेके अगर हम लोग मेजरमेंट लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्लिक ऑफसेट, है ना।
जैसे यहाँ पर देखो डायग्राम पता चल रहा है साफ, ये तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट, और यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो ये हुआ तुम्हारा क्या, ऑब्लिक ऑफसेट, है ना। समझ में आ गया ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है ना। मतलब हम लोग जो सर्वे लाइन है, जो हम लोग का चेन लाइन है, इसमें हम लोग वेरियस पॉइंट को लोकेट करने के लिए किसी परमानेंट ऑब्जेक्ट के साथ इसका जो डिस्टेंस हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे हम लोग, है ना। अब जैसे परमानेंट ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा मिटेगा नहीं, जैसे कॉलेज का गेट है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना, वो तो कल को डिस्प्लेस हो जाने जाएगा, है ना। आज तुम जो पोजिशन देख के आए हो कि इस पॉइंट से कॉलेज का गेट कितने डिस्टेंस पे है, कल तो कॉलेज का गेट यहाँ से नहीं हिलेगा जी, लेकिन ये जो तुम यहाँ पर सफेद से जो कुछ भी कलर से यहाँ पर जो मार्किंग किए हो सकता है कोई यहाँ पर मिटा दिया, बारिश हो गया या कुछ भी कारण से ये मतलब मिट गया, तो तुमको फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर से तुमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए हम लोग इस लोकेशन को लोकेट करने के लिए सर्वे लाइन में उसका हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलते हैं हम लोग। मतलब लेफ्ट और राइट साइड जो भी परमानेंट ऑब्जेक्ट रहेगा उसके रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, है ना। तो दो तरह का ऑफसेट होता है हम लोग का, देखो परमानेंट परपेंडिकुलर ऑफसेट और दूसरा ऑब्लिक ऑफसेट, है ना। हाँ सर, तो इसमें मतलब क्या फायदा होता है इसको करने से? हाँ फायदा क्या बताया ना तुमको, फायदा ये होता है कि ये जो पॉइंट हम लोग जो मेजरमेंट करते हुए जा रहे हैं, है ना, मेजरमेंट करते हुए जा रहे हैं, तो इस जो पॉइंट है P1 को तुमको लोकेट करना है, तो इसका पोजीशन को तुम कैसे बताओगे किसी को, है ना। तुम अगर कोई किसी अपना नया दोस्त को तुम बोलोगे कि तुम्हारा कॉलेज कहाँ पर है, तो तुम कैसे बताओगे, तुम बताओगे क्या कि ATM से सीधा चल जाना, है ना, कांड्रा जो गांव है वहां से तुम्हारा लेफ्ट राइट साइड में हम लोग का इतना डिस्टेंस पे तुम्हारा कॉलेज है, ऐसे बताओगे ना। तो जैसे हम क्या बताए, हाँ जी हम ये बताए तुमको, उसका उसका फायदा ये है तुमको, जैसे हम बोलेंगे तुमको ITI मोड से तुम मेजरमेंट करने चले, यहाँ ये है तुम्हारा ITI मोड, है ना, ITI मोड है, यहाँ से हम मेजरमेंट करते हुए जा रहे हैं, हम लोग मेहनत करते हुए जा रहे हैं, है ना, चेन लेके मेजरमेंट कर रहे हैं, और हमारा कॉलेज आते आते तुमको क्या हो गया कि रात हो गया या फिर बारिश होने लगा, कोई भी कारण होगा ना। तो अगर रात हो गया, इवनिंग हो गया, तो तुम क्या करोगे कि आज का काम तुम यहीं पर ड्रॉप कर रहे हो, है ना। तो क्या करोगे कि यहाँ पर कोई मार्किंग कर दिया, मार्किंग को तुम कैसे लोकेट करोगे, बोलोगे कि चलो यार कि GGPS कॉलेज का जो मेन गेट है उस मेन गेट से ये पॉइंट परपेंडिकुलर, अगर तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हो तो परपेंडिकुलर मेंशन करोगे, और ऑब्लिक ले रहे हो तो ऑब्लिक, है ना, कि इतने डिस्टेंस पे इतने एंगल पे ये हम लोग का पॉइंट यहाँ पर खत्म हुआ है, ये एक स्टेशन हो गया तुम्हारा, है ना। फिर कब तुम नेक्स्ट डे जब तुम मेजरमेंट करने चलोगे तो फिर से तुम यहाँ पर मेजरमेंट करने चलोगे तुम। अच्छा तुम लोग रेल लाइन देखे हो कि नहीं? यस सर देखिए, रेल लाइन देखे हो ना, तो रेल लाइन जब रेल लाइन के जब ये मान लो तुम्हारा पटरी है ना, ये तुम्हारा पटरी है, तो देखना पटरी के दाएं बाएं साइड में कंक्रीट का कुछ पिलर वगैरह ऐसे तरह कर कहीं कहीं तुमको मार्किंग मिलेगा, दिखता है कि नहीं, खूंटा गड़ा हुआ देखे हो कि नहीं, कंक्रीट का देखे हो ना तुम लोग, देखना कभी, है ना, लेफ्ट राइट साइड में कहीं कहीं तुमको हाँ कंक्रीट का खूंटा गड़ा हुआ रहता है। तो ये सब क्या है, ये है तुम्हारा रेलवे लाइन का, ये मतलब तुम्हारा रेलवे लाइन है, तो हम क्या बोलेंगे रेलवे लाइन से ये इतना डिस्टेंस पे ये तुम्हारा ऑफसेट हो गया, है ना। जो भी तुम्हारा मेन लाइन है, ये तुम्हारा मेन लाइन है, सर्वे लाइन, चेन लाइन, है ना, इसके लेफ्ट और राइट साइड में किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग मेंशन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे, कि ये इतने इतने किलोमीटर पे ये तुम्हारा ऑफसेट है, ये है ना। दिखाओ ना, लेटरल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द चेन लाइन, टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू चेन लाइन, लेटरल मेजरमेंट, है ना। लेटरल मतलब क्या होता है, है? देखो ये तुम्हारा लाइन जा रहा है सीधा, इस लाइन के अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये तुम्हारा पैरेलल हो गया, है ना। अगर ये तुम्हारा लाइन है, इसके लेफ्ट और राइट जाएंगे तो उसका क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे हम लोग, है ना, इसको बोलते हैं लेटरल, है ना। लेटरल तुम्हारा परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ओब्लिक भी हो सकता है, है ना। परपेंडिकुलरली मतलब इस लाइन से तुम्हारा परपेंडिकुलर लेंथ हम मेजरमेंट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एंगल, जैसे ये तुम्हारा लाइन है, यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। ऑब्लिक बोलेंगे तो ऐसा लाइन है तो उससे किसी भी एंगल पे तुम ड्रॉ करोगे, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, है ना। तो समझ में आ गया ऑब्लिक ऑफसेट और परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑफसेट के लिए जब भी बोलेंगे ना, जब भी ऑफसेट का बात हो रहा है,
तो समझो कि ये मेन लाइन से ये लेफ्ट और राइट में कोई ऑब्जेक्ट को ये मेंशन कर रहा है, ये है ना। यस सर। ओके, अब देखो हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट कैसे बनाते हैं, है ना। देखो ये दो तरीके दिया हुआ है ना। पहला है तुम्हारा मैनुअल मेथड, सेटिंग ऑफसेट विथ चेन एंड टेप। इसमें हम लोग चेन और टेप के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट हम लोग बनाते हैं। ऑफसेट मतलब इसका हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाएंगे, है ना। हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाएंगे, है ना। ये हम लोग बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट का। तो अगर हम बोलेंगे ये तुम्हारा पर लाइन है, तुमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तुम कैसे ड्रॉ करोगे, है? तुमको कुछ टेक्निक तो आना चाहिए ना भाई। कंपास लेके, अब तुम फील्ड में कंपास, छोटा सा कंपास लेके जाओगे जी, है? तुम फील्ड में, तुम जमीन में तुमको बोलेंगे 90 डिग्री बनाओ, तो तुम क्या जो कॉपी में बनाते हो कंपास का मेजरमेंट करोगे, है? तो देखो कंपास के जैसे ही तुमको एक टेक्निक है यहाँ पर। देखो जैसे क्या करेंगे, देखो है ना, देखो दो तरीका दिया हुआ है। तुमने ट्रायंगल तो पढ़े हो तुम लोग, है ना, ट्रायंगल पढ़े हो ना। ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल तुमने पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे कि ये तुम्हारा, हाँ, एंगल काट काट के बना, ये है तुम्हारा एच है, सुनो ये है एच है तुम्हारा, ये तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा क्या है, पी, पी होता है ना। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, होता है ना ऐसा। तो सबसे पहला तरीका इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को लेके बना रहे हैं। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर देखो थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस इक्वल टू होता है फाइव स्क्वायर, होता है ना ऐसा। तीन तीन नौ, चार चौके सोलह, नौ सोलह नौ कितना पच्चीस हुआ, पांच पच्चीस पच्चीस हुआ। ये तुम्हारा क्या है, फाइव क्या डिनोट कर रहा है, फाइव तुम्हारा हाइपोटेन्यूस को डिनोट कर रहा है, और ये तुम्हारा जो भी हो पी और बी को डिनोट कर रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ये मान लो हम लोग का सर्वे लाइन है, ये तुम्हारा चेन लाइन है, सर्वे लाइन है जो बोलो, है ना। ये ए लिए और ये बी लिए, है ना। अब मान लो इस पॉइंट से तुमको परपेंडिकुलर तुमको ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे इसका मान ले लो सी पॉइंट नाम दे देते हैं। तुमको इस सी पॉइंट से तुमको मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, इसके लिए क्या करेंगे कि सी पॉइंट से तीन मीटर डिस्टेंस पे ये कितना लेंगे हम लोग, तीन मीटर, है ना। हमको सी पे ड्रॉ करना है, यहाँ से हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये है ना। तो सी से हम लोग तीन मीटर डिस्टेंस पे हम लोग एक मार्किंग ले लेंगे, उधर कर सकते हो, तो टेप है तुम्हारे पास, टेप है तुम्हारा, चेन है ना, टेन और चेन की हेल्प से तीन मीटर का डिस्टेंस ले लिया ना। अब क्या करेंगे, सी को एज ए पॉइंट, इसको सी को हम लोग पॉइंट मान के हम लोग चार मीटर का यहाँ से एक आर्क, मतलब क्या करो कि तुम्हारे पास टेप है ना, तो टेप का जीरो एंड को यहाँ पर फिक्स करो, और यहाँ से चार मीटर डिस्टेंस लेके यहाँ से क्या करोगे कि एक आर्क टाइप का ऐसे सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस पे मार्किंग कर दो, हुआ। अब फिर क्या करो कि ये जो पॉइंट है इसको मान लो नाम देते हैं ई, है ना, इसको मान लो नाम दे ई। तो ई पॉइंट से क्या करो कि एक पांच मीटर डिस्टेंस का, पांच मीटर डिस्टेंस तुम टेप में मेजर कर लो, जीरो एंड यहाँ रखो ई पे, और यहाँ से पांच मीटर डिस्टेंस लेके ऐसे करके तुम उसको भी एक आर्क ऐसे घुमा दो। तो जहां पर ये आर्क कटेगा, ये आर्क और ये आर्क कटेगा, है ना, तो उस पॉइंट से तुम क्या करोगे कि अब इसको इसको मिला दो, ऐसे सी को मिला दो और ये पॉइंट को यहाँ मिला दो, तो तुम्हारा बन गया इसी कॉन्सेप्ट पे तीन चार पांच। तो ये तुम्हारा ड्रॉ करोगे ना, तो ये तुम्हारा क्या परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? यस सर, ठीक है, आया। तो अब दूसरा क्या दिया, स्विंग ऑफसेट, इसको क्या बोलते, थ्री फोर फाइव ऑफसेट बोलते हैं इसको, है ना, है लिखा हुआ है बार, थ्री फोर फाइव ऑफसेट, और ये है तुम्हारा स्विंग ऑफसेट। स्विंग ऑफसेट में क्या करेंगे हम लोग कि जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे टेप का जीरो एंड को पॉइंट करेंगे, फिक्स करेंगे,
और अगला जो तुम्हारा हेल्पर है वो लंबा सा टेप को ऐसे लेके जाएगा और ऐसा टेप को ऐसे घुमाएगा, मतलब ऐसे ऐसे करेगा, है ना। मान लो ये तुम्हारा टेप है ना, टेप को ऐसे लंबा खींचेगा कोई एक आदमी, यहाँ पर तो तुम्हारा क्या है जीरो एंड, ये तुम्हारा जीरो एंड है। टेप को ऐसे खींचोगे और इस टेप को क्या करना है तुमको, कभी इस एंड से पकड़ के ऐसे ऐसे मूव करना है इसको, इधर लेफ्ट राइट मूव करना है ना, लेफ्ट राइट मूव करना है, और उसको ये जो तुम्हारा लाइन है ऐसे देखना है कि इस लाइन से जस्ट ये टच करेगा, जस्ट ये टच करेगा, उसको क्रॉस ऐसे नहीं करेगा, है ना, जस्ट ये टच करेगा, मतलब जस्ट लाइक ए टेंजेंट, है ना। यस जैसे टेंजेंट है ना, तो अब क्या टेंजेंट में क्या होता है, टेंजेंट। पॉइंट पॉइंट बनता है यहाँ पर, है ना। तो इससे तुमको एक पॉइंट मिला, तुमको इससे क्या मिला, एक पॉइंट मिला। तो अब देखो सेंटर से टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं इसको क्या परपेंडिकुलर होता है, पता है ना तुम लोग को। अगर मान लो ये कोई सर्किल है, हाँ सर्किल पे एक टेंजेंट मतलब ड्रॉ किया, टेंजेंट टेंजेंट क्या करता है, दो पॉइंट पे नहीं कटता है, टेंजेंट हमेशा तुमको एक ही पॉइंट पे कटता है, जैसे ये तुम्हारा सर्किल है ना। ऐसे करके टेंजेंट आया, एक यस पॉइंट पे कटा, तो यहाँ से जो सेंटर से जो इसका जो डिस्टेंस होता है ना, ये तुम्हारा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनाता है ना। तो देखो सर्विंग में बहुत कुछ यहाँ पर ज्योमेट्री का खेला सब है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो ये दो तरीके से हम लोग ऑफसेट बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्विंग ऑफसेट, और ये तुम्हारा कौन सा ऑफसेट, 3-4-5 ऑफसेट। तो देखो ये 3-4-5 का और एक काम कहाँ पर होगा तुम लोग को, इसका यूज और एक जगह बताते हैं तुम लोग को, इसका यूज है और एक जगह। मान लो तुम यहाँ से कोई लेंथ मेजरमेंट किए, ऐसे कर मार्किंग किया तुम, है ना। अब तुम चाहते हो कि यहाँ से हम क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करना है तुमको, है ना। तुम क्या किए कि ए से हम एक मेजरमेंट लेने चले, ए से तुम मेजरमेंट लेके गया, तुम यहाँ पर बी पॉइंट तुम फिक्स किया ना, मतलब तुम घर ही बना रहा है ना, घर ही बना रहे हो, तो तुम क्या करोगे, मार्किंग किया यहाँ से, यहाँ लेंथ लेके मेजरमेंट किए। अब तुम बोलोगे चलो यहाँ से परपेंडिकुलर तुमको ड्रॉ करना है, अगर सिंपल तुम टेप लेके ऐसे ही तुम अंदाज से तुम बनाओगे तो तुम्हारा तो टेढ़ा हो जाएगा। तो जो 3-4-5 का जो कॉन्सेप्ट बताया ना, इसी कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा बन जाएगा। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से तुम 3 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर लो, है ना, 3 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर ले लिए। तो अब क्या करोगे, 4 मीटर का आर्क लेके इसमें कटिंग कर दो, फिर 5 मीटर करके कटिंग कर दो, यहाँ मिक्स हो जाएगा, तुम्हारा बन गया तुम्हारा, है सर, ना। स्विंग ऑफसेट तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा बनने में। प्रॉब्लम नहीं करेगा, तुम टेप देखो, तुम टेप समझो कि तुम टेप में एक जो तुम्हारा दोस्त है जीरो एंड को पकड़ा हुआ है ना, और तुम जो हो टेप का जो जहां पर तुम मेजरमेंट तुम ले रीडिंग तुम देख रहे हो, है ना। तो क्या करोगे, तो उस टेप को जो है ना तुम थोड़ा सा छोटा बड़ा तुम कर सकते हो, तुम अपना जो हाथ से इसको तुम देखोगे ना भाई कि यहाँ पर टच हो रहा है कि वहाँ टच हो रहा है ना। रुको रुको बता रहे हैं तुमको, यस तुम सर। अरे खुद से प्रैक्टिकल करते आ जाए आसान लगेगा तुमको, या मतलब टेप है तुम यहाँ पकड़े हो, है ना। तो तुम्हारा टेप मतलब तुमको ऐसे तुम पकड़े हो, लेकिन जब यहाँ से तुम सर्वे लाइन तो पहले से खींचा ड्रॉ किया हुआ है, ये सर्वे लाइन पहले से ड्रॉ किया हुआ है, मान लो यहाँ पर तुम टेप लेके गए तो टेढ़ा हो गया, तुमको पता नहीं चल रहा कि टेढ़ा हुआ है, लेकिन जब इसको स्विंग करोगे ना तो ये ऐसे दो जगह कटेगा। फिर क्या करोगे, तुम टेप को थोड़ा ऊपर में पकड़ोगे, ऐसे ऊपर में पकड़ोगे, फिर यहाँ से ऐसे स्विंग करोगे तो ऊपर यहाँ कटेगा, फिर तुम क्या करोगे टेप को और हल्का सा ऊपर में तुम पकड़ोगे, अब फिर यहाँ से इसको स्विंग करोगे तो तुम देखोगे कि ऐसे टेंजेंट बन रहा है, समझ में आया। अभी तुमको यहाँ पर अलग अलग जगह पे, यस अलग अलग जगह पे पकड़ के ट्राई करना पड़ेगा कहाँ पर ये मतलब ये टेंजेंट बना रहा है ना। ऐसे नहीं कि तुम अंदाज से तुम पकड़ के लिए और तुम वो बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। एक बार में नहीं हो पाएगा। हाँ वो तुमको आइडिया करना पड़ेगा थोड़ा सा पकड़ के, है ना, ये फील्ड का एक्सपेरिमेंट है ये सब, है ना। ठीक है, हम यस एक्सपेरिमेंट जब फील्ड में जाएंगे ना तो हम लोग करेंगे ये सब। स्विंग ऑफसेट हो गया, और देखो इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो बताया है तुम लोग को, और देखो हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के लिए और दो तरीका है, ये जो ऑफसेट लेते हैं ना हम लोग, ऑफसेट लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी आता यस है, इंस्ट्रूमेंट आता है कि जैसे क्रॉस स्टाफ, ये क्रॉस स्टाफ हुआ, और है तुम्हारा ये ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर को डायग्राम में तुम लोग को पिछला क्लास में तुम लोग को दिखाए हैं फोटो कैसे दिखता है ऑप्टिकल स्क्वायर, है ना। तो देखो क्रॉस स्टाफ से होता क्या है, क्रॉस स्टाफ से करना क्या होगा कि इसमें देखो चार को इस तरह कैसे बना हुआ देखो, है ना। तुम
तुमको करना क्या है कि तुमको ये जो क्रॉस हेयर दिया हुआ है, इस क्रॉस हेयर से तुमको इस क्रॉस हेयर के थ्रू तुमको क्या देखना है, इधर में मान लो रेंजिंग रोड लगाए हो, यहाँ रेंजिंग रोड लगाए हो और आगे यहाँ भी रेंजिंग रोड लगाए हो, तुमको क्या करना है सर, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मान लो सर्वे लाइन है ना, सर्वे लाइन है, यहाँ एक रेंजिंग रोड डाले हो, यहाँ पर एक रेंजिंग रोड डाले हो, तुमको इस क्रॉस स्टाप को या फिर वो ऑप्टिकल स्क्वायर को किसी भी हो, दोनों का सेम सेम तरफ ही काम करता है, क्रॉस स्टाप को क्या करोगे कि इस पॉइंट के ऊपर में रखोगे और तुमको अपना आंख हटा के तुमको देखना है इधर से, है ना, कि क्या ये दोनों ओर से दिख रहा है तुम्हारा जो रेंजिंग रोड है। उसके बाद क्या करोगे कि जब रेंजिंग रोड तुम्हारा दिख रहा है, फिर इसको लेफ्ट राइट करके तुमको एडजस्ट करना पड़ता है, लेफ्ट राइट करके उसी लाइन में एडजस्ट करना पड़ेगा और ये इधर से तुमको देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, ये तुम्हारा क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये तुम्हारा ऑफसेट है, क्या है तुम्हारा ऑफसेट है ना, ऑफसेट, हाँ लिखा नहीं एरर पर है, ऑफसेट, तो ये तुम्हारा मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हो यहाँ पर, तो इसको तुमको देखना है इसके थ्रू, तुमको लेफ्ट राइट करके एडजस्ट करना पड़ेगा और उससे तुम क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट तुमको देखोगे तुम, है ना। इसको कहाँ लगाते हैं बोलो तो, इस क्रॉस स्टाप को हम लोग रेंजिंग रोड के ऊपर में हम लोग फिक्स करते हैं, आता है रेंजिंग रोड, उसके ऊपर हम लोग फिक्स करके उसको देखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, अभी दिखता है जान लो, और जब एक्चुअल में देखोगे तो और ज्यादा तुमको दिमाग में जाएगा तुमको अभी एक्चुअल नहीं। सर ये तो फिर जब परपेंडिकुलर ऑफसेट रहेगा उसी पे काम करेगा। हाँ ये तो परपेंडिकुलर ऑफसेट के टाइम ही काम करेगा, देखो ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए ही आता है ये, है ना। और ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होता है कि तुम इसमें क्या होगा, तुमको दोनों साइड से तुमको देखना पड़ेगा, ऑप्टिकल स्क्वायर में एक जगह खड़ा मतलब क्या बोलते हैं ऑप्टिकल, हाँ वहां से तुम खड़े खड़े से तुम देख के तुम एडजस्ट कर सकते हो ऑफसेट को, है ना। ठीक है हो गया ये तो तुम लोग का, है ना। और देखो ये जो पहला जो ऑफसेट बताया है तुमको, स्विंग ऑफसेट और ये ऑफसेट, तो इसमें क्या लिखो, इट में बी नोटेड दैट यूजुअली ओनली स्मॉल ऑफसेट कैन बी सेट बाय मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड से हम लोग छोटा ऑफसेट ही मेजर कर सकते हैं, मतलब कम दूरी का, कम डिस्टेंस का, है ना, मतलब 5 मीटर 10 मीटर वो उतना मीटर तक हम लोग कर सकते हैं इस मेथड से। वैसे हम लोग ऑफसेट का जो लिमिटिंग लेंथ होता है 15 मीटर, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी ऑफसेट हम लोग मेंशन करें वो तुम्हारा 15 मीटर के अंदर में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा ना बढ़े ना, बहुत ही कम रेयर केस होता है कि हम लोग 15 मीटर से ज्यादा का ऑफसेट डालते हैं हम लोग, है ना। देखो क्या लिखो, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑफसेट शुड नॉट बी मोर देन द लेंथ ऑफ द टेप यूज्ड इन द सर्वे, जो तुम सर्वे में जो तुम चेन यूज कर रहे हो उस चेन का लेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट इज लिमिटेड टू 15 मीटर, हाउएवर दिस लेंथ आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, हम लोग मैक्सिमम क्या 15 मीटर तक लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको मेट्रिक चेन है हम लोग का, 30 मीटर का आता है, 20 मीटर का आता है, तो 20 मीटर तक हम लोग ले लेते हैं 20-30 मीटर का, लेकिन लेना कितना तुमको, जितना तुम्हारा चेन का लेंथ है उससे ज्यादा नहीं लेना है तुमको, है ना, ऑफसेट। यस सर, ठीक है, ये तो तुम्हारा चेन सर्विंग का हो गया। अच्छा और एक चीज दिखाते हैं, फील्ड बुक, है ना, हम लोग जब फील्ड बुक है, फील्ड बुक में काम क्या है हम लोग का, फील्ड बुक में जब चेन सर्वे करोगे तो चेन सर्वे करोगे तो तुम जो वेरियस जो डिटेल्स है, जो डिटेल्स है उसको तुम कैसे बुक में मेंशन करोगे, उसका भी एक तरीका होता है। तो ये जो दो तरीका दिया, इसको सिंगल लाइन हुआ और ये डबल लाइन मेथड, सिंगल लाइन बुकिंग और ये है डबल लाइन बुकिंग, है ना। तो सिंगल लाइन बुकिंग में क्या किया है, देखो कि एक सिंगल ऐसा कोई लाइन ड्रॉ किया, है ना, ऐसा कोई सिंगल एक लाइन ड्रॉ किया, देखो ये तुम्हारा ए से तुम मेजरमेंट लेने चले हो और बी तक तुमको क्या करना है, सर्वे करना है, इस बी पॉइंट तक, है ना, बी पॉइंट तक सर्वे करना है, तो ए से बी के बीच में तुमको कहाँ क्या मिला उसको तुम मेंशन किया यहाँ पर, देख रहे हो ना, लाइन ए बी अलग 10 मीटर 17 मीटर 20 मीटर ऐसे ऐसे करके मीटर मेंशन करना चाहता, 10 मीटर पे तुम्हारा कॉलेज है, 10 मीटर पे तुम्हारा गुंटी है, दुकान है, इतना मीटर 50 मीटर गए तो तुमको क्या मिला, एक ढाबा मिला, लेफ्ट राइट डिस्टेंस पे उसको मेंशन करते जाना है, जैसे यहाँ पर दिखाया ना, जैसे रेस्ट हाउस,
दिखाओ ना, स्ट्रीम रिवर दिया हुआ, देखो दिख रहा है ना। तो जो भी तुमको डिटेल्स है उसको तुम मेंशन करते जाओगे तो इस तरफ बुक है ये, तो इसमें है सिंगल लाइन, इसमें डबल लाइन, डबल लाइन में से दो लाइन ऐसे खींचते हैं हम लोग, है ना, डबल लाइन में हम लोग ऐसे दो लाइन खींचेंगे, बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो तो डबल लाइन कितना होता है, टू रेड लाइन्स, हम लोग रेड कलर से उसको लाइन को ड्रॉ करेंगे, और 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये जो लाइन है दो, ये तो कितना 1.5 सेंटीमीटर एक दूसरे से मतलब दूरी पे रहेगा दोनों, ठीक है। बाकी तो कर लिए इधर हम सब, है ना। हेलो, हाँ बोलो सर। सर बोले 30 मीटर का चेन में एक लिंग कितना डिस्टेंस का होता है? 30 मीटर के चेन में एक लेंथ, तो देखो 30 मीटर के चेन में तुम्हारा 150 लिंक होता है ना, तो तुम 150 से 30 को डिवाइड कर दो कितना हुआ तुम्हारा 150, अगर तुम 30 मीटर है ना, 30 मीटर को तुम क्या कर दो को सेंटीमीटर में तुम डिवाइड कन्वर्ट कर लो, हाँ हाँ, तो तुम्हारा 20 सेंटीमीटर आसपास का तुम्हारा, हाँ तुम्हारा 20 सेंटीमीटर का आता है तुम्हारा एक लिंक, है ना। तो सर तुम्हारा 30 मीटर का में 150 लिंक रहता है, हाँ 30 मीटर वाला में, और जो 100 मीटर वाला जो चेन आता है, नहीं कितना वाला, 20 वाला, हाँ 20 मीटर का जो चेन आता है उसमें तुम्हारा 100 लिंक आता है ना, 20, हाँ 100, वो 20 मीटर का वाला आता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया चेन सर्विंग, है ना। अब तो अब देखते हैं हम लोग कॉम्पास सर्विंग तुम लोग को दिखाते हैं ना, देखो हम लोग को बस कॉम्पास जो यूज करते हैं, देखो आज ज्यादा नहीं वो न्यूमेरिकल पोर्शन, आज बियरिंग तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज कॉम्पास के बारे में जानकारी ले लो, है ना। कॉम्पास हम लोग का देखो दो कॉम्पास हम लोग यूज करते हैं सर्वे में, एक होता है ये सर्वेयर्स कॉम्पास और दूसरा क्या है तुम्हारा प्रिज्मेटिक कॉम्पास। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है ना, एक है तुम्हारा प्रिज्मेटिक कॉम्पास और दूसरा होता है सर्वेयर्स कॉम्पास, है ना। तो ये जो राइट साइड में जो कॉम्पास दिख रहा है ना तुम लोग को, राइट साइड में जो कॉम्पास दिख रहा है ये है तुम्हारा प्रिज्मेटिक कॉम्पास, और जो तुमको लेफ्ट साइड में जो कॉम्पास दिख रहा है डायग्राम में फोटो में, ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा सर्वेयर्स कॉम्पास, है ना। और ये प्रिज्मेटिक कॉम्पास जो है देखना, इसमें जो नीडल है ये तुम्हारा रिंग के साथ ग्रेजुएटेड जो रिंग है, मतलब ग्रेजुएटेड रिंग मीन्स क्या कि जिसमें तुमको अलग अलग नंबरिंग किया हुआ है, देखो यहाँ पर 30 डिग्री 20 डिग्री यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इससे तो उनका एंगल मेजर करेंगे हम लोग, तो जो भी एंगल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस रिंग में किया हुआ है, तो तुम्हारा प्रिज्मेटिक कॉम्पास में क्या है कि इसके साथ ये अटैच किया हुआ है, देखो अटैच है, लेकिन सर्वेयर्स कॉम्पास में क्या है कि ये नीडल के साथ ही अटैच नहीं है, तुम्हारा ये जो रिम है ये तुम्हारा इस बॉक्स के साथ ही तुम्हारा अटैच किया हुआ है, ओके। और एक चीज, ये जो तुम्हारा प्रिज्मेटिक कॉम्पास है, प्रिज्मेटिक कॉम्पास में तुम्हारा लिस्ट काउंट कितना होता है, तुम्हारा 30 मिनट होता है, 30 मिनट का तुम्हारा लिस्ट काउंट आता है। हेलो हेलो, यस सर, हाँ कितना आता है तुम्हारा 30 मिनट, हाँ 30 मिनट का तुम्हारा लिस्ट काउंट आता है, 30 मिनट मीन्स क्या, देखो 60 मिनट में तुम्हारा एक डिग्री आता है, पता है ना, तुम्हारा 60 सेकंड में तुम्हारा एक मिनट बनता है, और 60 मिनट मिल के तुम्हारा कितना बनाएगा, एक डिग्री बनाएगा, है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना तुम लोग, है ना। और जबकि सर्वेयर्स कॉम्पास हम लोग का कितना आता है, 15 मिनट का इस लिस्ट काउंट आता है, तो जिसका लिस्ट काउंट कम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ज्यादा एक्यूरेट हम लोग बोलेंगे कि ये तुम्हारा ज्यादा एक्यूरेट हम लोग को मेजरमेंट देगा सर्वेयर्स कॉम्पास, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कम है। जबकि प्रिज्मेटिक कॉम्पास का बेनिफिट ये है कि इससे तुम काफी स्पीडली मेजरमेंट ले सकते हो, है ना। यस सर, ओके, तो इसका तो एक थोड़ा सा वीडियो तुम लोग को दिखाते हैं, रुको, है ना, रुको रुको रुको, रुको।
यही है क्या? एक मिनट को तो देखो यहाँ पर सुनाई दे रहा है तुम लोग को? हेलो, यस सर, हेलो। हाँ, सर साउंड नहीं, हाँ साउंड नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। नहीं, वीडियो दिख रहा है? हेलो, हाँ रुक रुक के दिख रहा है? यस सर, रुक रुक के दिख रहा है। हेलो, वीडियो दिख रहा है कि नहीं? हेलो, रहा है सर। वीडियो रुक रुक लेकिन के साउंड नहीं आ रहा है रुका क्या? हुआ है अभी। नहीं, साउंड भी नहीं आ रहा। देखो ये जो कॉम्पास है, ये हम लोग अभी जो कॉम्पास दिखा रहा है ना, अभी जो कॉम्पास दिखा रहा है, ये कॉम्पास तुमको हम लोग जब प्लेन टेबल सर्वे करते हैं उसमें हम लोग का यूज होता है। ये तुमको मैक्सिमम 5 डिग्री तक ही ये निडल जो है 5 डिग्री का मेजरमेंट देता है ना। और ये है तुम्हारा सर्वेयर कॉम्पास, ये जो दिखा रहा है अभी, देखो ये सर्वेयर, और ये तुम्हारा प्रिज्मेटिक कॉम्पास है ना। तो कैसे दिखता है ये सर्वेयर कंपास, ये प्रिज्मेटिक कंपास। क्या दब गया यार ये? सुनाई दे रहा है? हेलो, नहीं सर, सुनाई दे रहा है कि नहीं? वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा देखो हम बताते हैं तुम लोग को, प्रिज्मेटिक कंपास में एक प्रिज्म लगा हुआ है। देखो इस प्रिज्म के थ्रू ही हम लोग जो रीडिंग वगैरह वो लेते हैं, है ना। ये है क्या प्रिज्मेटिक कंपास, देख रहे हो ना, इस रिम के साथ ये अटैच हुआ है। और जो हम लोग रीडिंग देखते हैं, रीडिंग मतलब क्या, जो जो रीडिंग आता है हम लोग का, है ना, 30 डिग्री 20 डिग्री, इसको हम लोग किसके थ्रू देखेंगे? इसको हम लोग, ये हम लोग, ये जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारा प्रिज्म है ना। ये जो है यहाँ पर जो बना हुआ है, इस यहाँ पर ये तुम क्या प्रिज्म है, ये है ना। ये प्रिज्मेटिक कंपास, और ये है तुम्हारा सर्वेयर कंपास। देखो इसमें जो रिम दिया हुआ है, ग्रेजुएटेड जो सर्किल बना हुआ है, ये तुमको बॉक्स के साथ ये अटैच हुआ है ना। और इसका जो देखो निडल है, ये तुम्हारा नैरो एज दिया हुआ है, इसमें तुमको अटैच हुआ है। प्रिज्मेटिक कंपास में अटैच रहता है इस रिम के साथ, है
है ना, देख लो फर्क देख लो, आगे समझ में आ जाएगा। यस सर, है ना, देख लो कैसे, ये सर्वेयर कंपास देखो, देखो ये जो सर्वेयर कंपास है उसमें जहां से हम लोग देखते हैं, फोटो ही दिखा दीजिए, वीडियो में नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ऐसे बताते हैं तुम लोग को है ना? नहीं, फोटो सर्च करके दिखा दीजिए सर। हाँ, वीडियो नहीं दिख रहा सर, फोटो गैलरी आता है ना नेट में? नहीं। हाँ आता है, समझ आ जाता है ना, आ जाएगा। तो अब टाइम भी खत्म होने वाला है, देखो हम लोग का, देखो इधर बंद हो जाएगा वीडियो, से दिखा देंगे फिर दोबारा ऑन करके, कोई बात नहीं है। ठीक है देखो, अच्छा ऐसे बताते हैं तुम लोग को है ना, हाँ देखो ये तुम्हें प्रिज्मेटिक कंपास दिया हुआ, देखो दिख रहा है फिर? व्हाइट स्क्रीन, अरे तो व्हाइट स्क्रीन लग गया यार। अब दिख रहा है? नहीं अभी भी नहीं। अभी नहीं दिख रहा है फिर? अभी नहीं दिख रहा है तुमको? शेयर तो व्हाइट स्क्रीन है, आप शेयर तो किए हुए शेयर कर रहे मतलब? हाँ अभी दिखा, दिखा ना फिर। हाँ तो देखो ये प्रिज्मेटिक कंपास में ये जो है, सुनो ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है इसमें ऐसे एक ये यहाँ पोर्शन देखो, ये तुमको क्या प्रिज्म बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिज्म है ना। और ये प्रिज्म जो है ऐसे ऐसे दिख रहा है ना तुमको? और यहाँ पर देखो ये तुम आईपीस, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, तो रेंजिंग रोड को देखेंगे। और यहाँ पर क्रॉस हेयर बना हुआ है, क्रॉस हेयर ऐसे बना रहता है देखो, ऐसे इस तरह कराएगा, और बीच से तुमको यहाँ पर एक हेयर लगा हुआ रहता है, यहाँ घोड़ा का बाल लगा हुआ रहता है यहाँ पर देखना ऐसे, है ना, इस तरह का रहता है। और हम लोग का काम क्या होता है कि आईपीएस के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और ये जो हेयर दिया हुआ, ये हेयर तुम्हारा इधर रेंजिंग रोड जो आगे लगा हुआ रहेगा, इस रेंजिंग रोड के साथ ये तुमको कोइंसाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये इस रेंजिंग रोड के साथ ये कोइंसाइड होना चाहिए, तब हम लोग उसका रीडिंग लेंगे ना। तो देखो और एक फर्क क्या होता है इसमें तुम्हारा सर्वेयर कंपास और इसमें कंपास में, कि इसमें जो रीडिंग लेते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में, ये है तुम्हारा प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास में जो तुम्हारा साउथ पोल रहता है, ये तुम्हारा साउथ पोल है ना, तो इस साउथ पोल का रीडिंग तुमको कितना दिया रहेगा? जीरो रहेगा। और नॉर्थ पोल में कितना रहेगा? जो तुम्हारा नॉर्थ दिखाएगा वो तुमको तुम्हारा 90 दिखाएगा, है ना। और ईस्ट जो है तुमको कितना रहेगा? ईस्ट है तुमको इधर और वेस्ट तुमको इधर शो करेगा, तो ये तुमको कितना हो गया? ये तुमको 180 दिखाएगा ना भाई, ये तुमको कितना दिखाएगा? 180 दिखाएगा, है ना। वेस्ट में तुमको 90 दिखाएगा,